सामान है, कपड़े हैं, वस्त्र है, चारपाई है, कुछ भी है, ये सारे ये तो चाहिए ही, इनसे कौन मना कर देगा बताओ। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम जब ये कहते हैं कि मैं तो भाई समाज सेवक हूं, मैं तो दूसरों की सेवा के लिए लगा रहा हूं, मैं तो भाई सबकी रक्षा के लिए लगा हुआ हूं, गौ माता की रक्षा के लिए लगा हुआ हूं, मैंने अपना घर स्वाह कर दिया है, तो हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे मैं सुख महसूस कर रहा हूं। अगर आप गौशाला चलाते हैं तो आपको गौशाला चलाने में, गौ माता की सेवा करने में आपको सुख मिल रहा है, आप खुशी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं भैया, दूसरों की खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको वेतन नहीं मिलता है, फिर भी आपको खुशी मिलती है, इसलिए आप काम कर रहे हैं। प्रवीण जी योग करवा रहे हैं तो इनको खुशी मिलती है इससे, इनको अच्छा लगता है, इसलिए ये काम कर रहे हैं, न कि दूसरों को स्वास्थ्य मिल जाए इसलिए काम करेंगे, और दूसरों को स्वास्थ्य मिल जाए उसमें खुशी मिल रही मेरे को, इसलिए मैं अपनी खुशी के लिए तो काम कर रहा हूं ना। देखो तीन तीन नजरिए हैं, तीन व्यक्ति हैं, तीन श्रमिक हैं, तीनों को विद्यालय के अंदर काम दिया गया, तीन कमरे दे दिए गए, तीनों कमरों का साइज बराबर है, काम बराबर है, गिट्टी तोड़ना, फर्श बनेगा, तीनों काम करने लग गए, 8 घंटे निश्चित है काम करने के, और 500 रुपये शाम को मिल जाए, तीनों काम कर रहे हैं, गिट्टियां तोड़ रहे हैं। पहले व्यक्ति के पास गया, जाके पूछा क्या कर रहे हो, पहले ने क्या कहा पता आपको, पहले ने कहा छोड़ रहा हूं अपने कर्मों को, दिख नहीं रहा, ठीक है फोड़ ले फोड़ ले। दूसरे के पास गया, दूसरे से यही पूछा, क्या पूछा भैया पता है आपको, दूसरे के पास गया, दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, ले मालिक जो है बच्चे हैं, खुद का पेट है, ये तो पेट खड़ा तो भरना ही पड़ेगा, तो ठीक है ठीक है ठीक लगे रहो। तीसरे के पास गया, बड़े मस्ती से भजन कीर्तन कर रहा है और गिट्टी उनसे ज्यादा अच्छी तोड़ रखी है, चेहरे पर खुशी है, मस्ती के साथ गा रहा है, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, इनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, इनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। पूरा भजन सुना मस्ती के साथ, और भजन समाप्त होते ही सोचा कभी दूसरा शुरू ना कर दे, बीच में ही बोला क्या कर रहे हो, खड़ा हो करके बोला मालिक नमस्ते, मैं यहां पर विद्या का मंदिर बना रहा हूं। क्या बोला जी? विद्या का मंदिर। आप नहीं बोले। क्या बोला? विद्या का मंदिर। मैं यहां पर विद्या का मंदिर बना रहा हूं। अच्छा विद्या का मंदिर बना रहे हो? हाँ, यहाँ छोटे छोटे बालक आएंगे उनकी जिंदगी बनेगी। अब देखो तीन व्यक्ति, तीन दृष्टिकोण, तीन नजरिए। पहले का नजरिया बहुत दुखी होकर के अपने कर्मों को फोड़ रहा है, ठीक है, मजबूरी में काम कर रहा है। दूसरा व्यक्ति मजदूरी के लिए काम कर रहा है, मजदूरी के लिए, और तीसरा व्यक्ति आने वाले समय में दूसरे के भविष्य में किसी की जिंदगी बनेगी, वो खुशी अभी महसूस कर रहा है, अभी बच्चे आए नहीं है, विद्यालय तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उस खुशी को देख करके वो खुश हो रहा है, और खुश होकर के दूसरों की खुशी के लिए जो काम करता है उसको खुशी मिलती है, 1000 गुना मिलती है। अच्छा बताओ, पैसे तो तीनों को बराबर मिल रहे हैं, काम का
काम भी बराबर है, लेकिन पहला महादुखी, दूसरा थोड़ा थोड़ा दुखी है, और तीसरा बिल्कुल खुश, कति मौज आनंद मौज मस्ती में, कति काचे काट रहे है, देसी भाषा में कहा तो है। तो बताओ भाई, ये सारा अपना दृष्टिकोण का फर्क है। जब हमारा दृष्टिकोण सत्य धर्म न्याय का बन जाता है, उस समय हमें खुशी मिलती है। और जिस समय तक दृष्टिकोण हमारा प्रिय हित लाभ का बना रहता है, तब तक हम खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। इसको कहते हैं जीव चेतना, पशुओं का जीवन, प्रिय हित लाभ का जीवन जो जीता है कि मेरा क्या हित होगा इससे, मेरे को जो प्रिय लगता है, प्रिय मतलब संवेदनाओं के स्तर पर, संवेदनाओं स्तर मतलब जो इंद्रियां हैं उनके स्तर पर, रूप शब्द स्पर्श गंध आदि के जो है ना भोग में जो जीवन है वो है। तो यहां तक जो जीता है वो पशु चेतना है, जीव चेतना है, पशु का जीवन है। और इससे ऊपर जब उठता है तो उसको कहते हैं मानव चेतना, मानवीय चेतना है। उस दिव्य मानव कहेंगे, देव मानव कहेंगे, जो पूर्णतया इस सारी कायनात को, इस सारे अस्तित्व को समझ करके काम करता है। अब शिक्षा ने क्या दे दिया? शिक्षा ने सारा कचरा भर दिया कि भाई जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, आवश्यकताएं जो है, इच्छाएं जो है वो पूरी करनी है, और संसाधन सीमित हैं और इच्छाएं असीमित हैं। अब असीमित इच्छाएं हो गई और संसाधन सीमित बता दिए, तो सीमित को इकट्ठा कर लो भाई, कभी मैं पीछे ना रह जाऊं, तो फार्म हाउस बना लो, एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीसरे में खुद फ्लैट, ये भी लूट लो, इधर से भी लूट लो, कोयला भी निकाल लो, लोएस्ट भी निकाल लो, डीजल भी निकाल मारो, सारी धरती को बीमार कर दो, इसमें ज्यादा ज्यादा मारो खाद, मारो दुनिया भर का केमिकल ठोक ठोक करके, ज्यादा ज्यादा इसमें से भोग लो, काट लो, निकाल लो, निचोड़ लो इसका सारा जूस है। ये भोगोनुवादी होगी, लोभोनुवादी होगी ये दिमाग की सोच। अब इस सोच ने सारे झगड़े पैदा कर दिए। चारों तरफ से शिक्षा के नाम से ही एक किस्म से कचरा भरा गया। अगर हम सोचें कि कोई भी आता है और कोई बात करता है, तो ध्यान दीजिए भैया, हम खुशी महसूस कब करेंगे? जब मेरे मस्तिष्क में, दिमाग में, मेरे आसपास में, मेरे घर परिवार में, समाज में कचरा ना हो, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स जिसे कहते हैं, वो कचरा ही तो है, कचरा है वो। अब कोई भी आएगा आपसे बात करता है, या आप किसी से बात करते हो, बात शुरू होती है कहां से होती है? आपकी साथी से बात होती है, सीधी बात होती है, कोई थर्ड पर्सन आगे खड़ा होता है वार्तालाप में, सीधी बात कहां होती है? कहां पूछते हैं कि भैया आपने आज कितना ध्यान साधना किया, आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है, आपका आप किस स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्या आप खुश हैं? ऐसा तो होता ही नहीं। इतना पूछेंगे, क्या हाल है भाई साहब? ओ बिल्कुल काचे कट रहे हैं भाई, मौज में, हाँ है, ऐसे बोल देंगे। और दुखी महा एक छत के नीचे पड़े हैं, है? जीना जाना कुछ नहीं है, झेलना है, कंप्रोमाइज करे पड़े हैं बस, जिसने छेड़ के देखो उड़े तेरी बफार निकले। पति पत्नी का संबंध देख लो, घर के अंदर क्या हारमनी में है? व्यक्ति टूटन में जी रहा है, घुटन में जी रहा है, व्यक्ति बिल्कुल घुटन में जी रहा है, परिवार टूटन की ओर जा रहे हैं, प्रकृति प्रदूषण युक्त होती जा रही है, और ये सारा समाज शोषण युक्त होता जा रहा है। करना क्या है? चार ही प्रोग्राम है, पांचवा है ही नहीं सारे संसार के अंदर। व्यक्ति घुटन मुक्त हो जाए, परिवार टूटन मुक्त हो जाए, प्रकृति शोषण मुक्त, प्रकृति जो है प्रदूषण मुक्त हो जाए, और समाज शोषण मुक्त हो जाए, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, इससे कम में कुछ चलता नहीं है। यही तो सारा कार्यक्रम है। कोई भी करके देख लो भाई, सबसे पहले मुझे 24/7 खुश रहना, ये कार्यक्रम यहां से शुरू होगा। खुद खुश नहीं, दूसरों खुशी कैसे दे देगा? बेटे ने आशीर्वाद लिया पिता से, नमस्ते पिताजी, खुश रहो बेटा। और कोई पूछ लेगा उल्टा बावड़ी के बालक कि आप खुश हो गए क्या? मैं रोज देखूं, हर समय टेंशन में, हर समय परेशानी में,
माँ के साथ लड़न लाग रहा, हमारे साथ लड़न लाग रहा, परिवार।